फिर से एक नई सुबह, एक नया दिन। और गाइस ये देखो आज मुझे कितना बड़ा विलेज मिला है। यहाँ पर देखो गाइस कितने सारे घर बने हुए हैं, और साथ में देखो विलेज के अंदर पक्की सड़क भी बनी हुई है यार। इतना बड़ा और शानदार विलेज मैंने पहली बार देखा है। सोच रहा हूँ मैं यहाँ पर ही परमानेंट शिफ्ट हो जाऊँ यार। वो देखो भाइयों, वो पगला खेरे अपने विलेज में आ चुका है, अब इसको अपन मजा चखाते हैं। मैंने सुना है बहुत पन होती है, जो भी विलेज में जाता है ना वो विलेज बर्बाद करके आता है। चलो भाइयों उसके अपन मजे लेते हैं और उसको आज बर्बाद कर देते। चलो इधर देख कैरी, इधर देख। एक सेकेंड, मुझे भी बुला रहा है क्या? और गाइस वहाँ पर क्या पड़ा है वो, जाके देखता हूँ मैं। अरे क्या बात है, इतना लकी विलेज है ये। मुझे सुबह सुबह यहाँ पर 500 रुपए पड़े मिल गए। पता नहीं गाइस किसका काम होता है, अपन इसको उठा लेते हैं। ऊपर देख कैरी। एक सेकेंड, ऊपर क्या, ये कौन खड़ा ऊपर? अरे क्या है? नहीं गाइस इनमें सर पे क्या गिरा रहे हैं, चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे? नहीं नहीं गया मैं तो, ऐसा लग रहा है। मोमेंट्स लेटर गाइस ये विलेजर्स ने क्या किया, मेरे पे एनविल गिरा दिया, मुझे 500 रुपए भी एनविल नहीं दे रहे। आया ना मजा, तू लालच कर रहा था ना, अब देख तेरे साथ क्या हुआ। खड़ा होता हूँ जल्दी से पहले तो। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? देखो इसको, देखो इसके साथ क्या हो गया, इसको अपने बटका बना दिया। यार तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया यार? गाइस मुझे चपटा कर दिया यार, सब लोग मेरे फंस रहे गाइस। नहीं यार तुम मेरे पे हंसो मत। क्यों नहीं हंसेंगे, ये तो बटका है, बटका कैरी, बटका कैरी। यार मत हंसो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। चल हट जा यहाँ से, देखो आज से बटका बुलाएंगे, बटका। ए बटके को हटाओ इसको। यार गाइस सब लोग मेरे पे हंस रहे। नहीं यार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि तो हर गाँव में जाके सत्यानाश कर देता है, इसलिए हमने तेरे को सबक सिखाया है ताकि तू आईना कोई गाँव में नहीं जाए। भाई लोग इसको देखकर कितना मजा आ रहा है ऐसा देख के। और उसको क्या उल्लू बनाया, ये नकली नोट था क्या? नकली नोट था, चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया का नोट था क्या? रे तू उस लालच में आ गया, अब तो हम तेरे मजे लेंगे। उठाओ इसको, इस बटके को उठाओ, उठाओ इसके साथ फुटबॉल खेलेंगे। नहीं नहीं प्लीज, नहीं 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 प्लीज मत उठाओ। उठा लो, क्या बात है, बटके को उठा लिया। चलो चलो इसके साथ अपन फुटबॉल खेलेंगे, क्या बात है। यार गाइस ये गांव वाले मेरे साथ क्या कर रहे हैं, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे पे टॉर्चर मत करो। नहीं नहीं फुटबॉल खेलेंगे, आ जाओ गांव वाले फुटबॉल खेलते हैं। एक सेकंड गाइस, ये लोग मुझे कहां लेके आ गए पकड़ के? ओए ये तो सेम ही मुझे फुटबॉल बना के खेलना चाहते हैं। भाई प्लीज मुझे छोड़ दे। नहीं खेलो फुटबॉल गाइस, ये तो लात मार दे मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं लात मारूंगा मैं तो, ये ले ये ले। अरे यार ये कैसे लात मार रहे मुझे यार, और गाइस मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया है। खेलो गाइस खेलो, और ये देखो मेरा सुपर शॉट, अब सीधा गोल मारूंगा। नहीं नहीं प्लीज प्लीज मत मार, मत मार। अब तो भाई गोल होगा, ये ले। अरे शिट गाइस ये क्या कर रहे मेरे साथ यार, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो, भागो 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 जल्दी से भागते, क्या बात है। अरे नहीं शिट, लगी यहाँ पर यार, कहाँ फंस गया मैं, अब किस साइड जाऊँ? यार बटके कहाँ भाग रहा है, प्लीज जान दो मुझे, जान दो प्लीज। नहीं नहीं अब तो हम तुझसे स्विमिंग करवाएंगे, गाइस पकड़ लो इसको। चलो गाइस इस बटके से अपन स्विमिंग करवाएंगे, अब इसको मछली बना के तैराऊंगा मैं। यार छोड़ दो यार प्लीज, मेरे पे क्यों जुल्म कर रहे हो तुम लोग, क्या मजा आ रहा है, क्या लगता है भाइयों, फेंक दिया जाए इसको, फेंक दो फेंक दो, मजा आएगा फेंक दो। अरे प्लीज छोड़ दो, कहाँ फेंक रहे हो मुझे यार, प्लीज मुझे छोड़ दो, मत फेंको मत फेंको। नहीं नहीं फेंकेंगे हम तो, ये ले। अरे शिट, अरे यार यार किसके साथ मुझे यहाँ पर उतार दिया तुमने, क्या बात है, छोटी मछली के साथ नहा रहे हम लोग तो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छोटी सी बटकी मछली को देखा कितना मजा आ रहा है, देखो कैसे मस्त तरीके से तैर रही है। यार इन्होंने मुझे मछली बना दिया, नहीं यार मैं इनका टॉर्चर और ज्यादा झेल नहीं सकता, भाई मैं तो जा रहा हूँ, ऐसे भाग रहा हूँ। भाग रहा है वो, पकड़ो उसको, सही मौका है, फटाफट से भाग लेते हैं, पकड़ो इसको, ये बटके को मत जान दो इधर से, ये बटके साथ हमको टॉर्चर करना है। यार कैसे लोग यार, कितने जुल्म कर रहे मेरे साथ, पकड़ो इसको पकड़ो, बस यहाँ से बस चले जाए, चलिए निकल जैसे, ये ले ये ले ये ले, अब आगे दिखा, फटाफट से भाग जाते हैं यार, जब तक थोड़े इसको टाइम लगेगा, मेरे पास वैसे भी डायमंड पिकेक्स है, जल्दी से मैं ऐसे निकल जाता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको और ज्यादा ब्लॉक कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ताकि वो लोग मेरा पीछा नहीं कर सके। अब जल्दी से मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, विलेज इतनी ज्यादा बदमाश निकले मुझे पता नहीं था यार, जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ, भागता हूँ यार स्पीड में। कहाँ पर है वो लोग, शायद मुझे कुएं में ढूंढ रहे, मैं जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। यार हालत हो गई मेरी, डुब करके हाइट का हो गया मैं, देखो यार फटाफट भागना पड़ेगा यहाँ से, लेकिन अब मैं अपने आपको ठीक कैसे करूँ? अरे यार देखो ये झाड़ों के बीच में अटक रहा हूँ मैं तो, यार क्या हालत हो गई मेरी। काम करो जल्दी से मैं जाता हूँ विच के पास, क्योंकि विच के पास ही वो कैपेबिलिटी है अपने जादू से मुझे ठीक करने की। ठीक है फिर चलते हैं सीधा विच के पास। ओके तो गाइस विच के घर के पास आ चुका हूँ, और यार देखो विच ने भी देखो अपग्रेड कर लिया है, पहले कहाँ पर झोपड़ी में रहती थी, लेकिन अब देखो कितना आलीशान घर बना लिया इसने। चलो फिर अंदर चलते जाके उससे मदद मांगते हैं। ये बटका कौन है, इसको बाहर निकालो, मैं तो इससे यार मदद मांगने आता, लेकिन ये भी मुझे बटका बोल रही है। सॉरी सॉरी, बोलो क्या चाहिए? प्लीज मुझे बड़ा कर दो, विलेज ने मेरे पे एनिमल गिरा के मुझे चपटा कर दिया, प्लीज मुझे हेल्प करो, मुझे वापस से लंबा कर दो। जाकर लाइन में बैठो। लाइन में? यार ये कौन यहाँ पे बैठा नशेड़ी, लगता है यहाँ पर अपना नशा छुड़ाने आया है। क्या बोल रहा है पता नहीं। ओ भाई साहब आप लेकिन यहाँ पर क्यों आए हो? अरे ये बच्चा किसका है? अरे इसके घर वाले कहाँ पे? जाके मुझे लगता है मुझे लंबा होना ही पड़ेगा, लोग मुझे क्या समझ रहे हैं, कोई बटका बोल रहा है कोई बच्चा बोल रहा है। अरे 32 साल का हूँ मैं, छोटा मोटा नहीं हूँ मैं, तुम तो ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अरे मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, और अब मुझे पता है बहुत ज्यादा पैसे वाला, इसीलिए मैं आया हूँ विच के पास, और फिर आम की पत्ती फूंका जाके। यार मुझे पता नहीं था कि विच अमीर भी बना देती।
होती है। मैंने काम कर तो पहले ना बड़ा हो जाता हूँ, फिर विच को बोल के ना अमीर भी बन जाऊंगा। लगता है ऐसी बहुत भारी नशे में इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। अरे विच जल्दी से ठीक करो हमको। रुको रुको पोषण बन रहा है यार। विच ने पता नहीं हमको अभी नीचे बिठा दिया है। विच को अब क्या करना चाहती है? रुको मैं तुमको अभी पोषण देती हूँ। एक काम करो इस बेबी को पहले दे दो। पता नहीं कैसे घूर घूर के मुझे देख रहा है गंदी गंदी नजरों से। अरे मेरा बच्चा, अरे तू कहाँ था इतने टाइम से? ले 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 ले। यार क्या बोल रहा है ये, मैं इसका बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं अपने बाबूजी का बच्चा हूँ। वीर जल्दी ला पोषण। हो गया, लेके आती हूँ। ये ले। ओके गाइस, बाप रे पोषण गाइस कितना बड़ा दिख रहा है मुझे। ठीक है तो गाइस मैं अभी पोषण पी के देखता हूँ क्या हुआ। ए बच्चे हट, पहले मैं पीऊंगा। हां हां पी ले पी ले भाई। अरे वाह इसका तो बहुत अच्छा टेस्ट है, शायद ये पिया रहा है। अरे यार कुछ तो होना मुझे। वीर ये तो अमीर तो हुआ ही नहीं। लगता है एक्सपेरिमेंट चालू हो गया। देखो ये अभी अमीर बन जाएगा। अरे क्या हो गया मेरी बॉडी को? बाप रे ये क्या हो गया? अरे यार घर इतना छोटा कैसे हो गया? अबे घर छोटा नहीं, तू बड़ा हो गया। विश तूने क्या कर दिया? लगता है इसने तुम्हारा पोषण पी लिया। बाप रे क्या तुम मुझे इतना बड़ा करना चाहती थी क्या? क्योंकि तुम ही तो बोले तुम्हें बड़ा होना है। नहीं यार मुझे इतना बड़ा नहीं होना था। अब मैं क्या करूँ यार, मेरा पोषण तो इसने पी लिया है, अब क्या करूँ मैं? एक काम करो दूसरा वाला पोषण पी लो। ये वाला बोल रही है क्या? पी लो पी लो, इससे भी तुम्हारी हाइट लंबी हो जाएगी। ठीक है चल तू बोल रही है तो ठीक है पी लेता हूँ, लेकिन अब मुझे इतना बड़ा नहीं होना। और देखो गाइस कैसे देख रहा है ये, छत फाड़ दी इसने तो पूरी। चलो फटाफट से पी लेता हूँ मैं इसको। एक सेकंड ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं अरे बाप रे कुछ तो मुझे गाइस हो रहा है। एक सेकंड ये मुझे क्या हो गया यार? गाइस ये मेरी बॉडी को क्या हो गया? मैं नॉर्मल तो हो गया लेकिन बाप रे मेरा पूरा का पूरा शरीर ग्रीन हो गया। एबी तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया? मैं ज़ॉम्बी बन रहा हूँ क्या? नहीं नहीं ये तो एमरल्ड है, तो मैं एमरल्ड की बॉडी मिल चुकी है। तुम लोग जिसको छुओगे वो एमरल्ड बन जाएगा। अब तुम कभी भी गरीब नहीं बन सकते, जाओ अमीर की जिंदगी जियो। यार गाइस ये क्या बोली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जिसको छूंगा वो एमरल्ड हो जाएगा? ये मैं ट्राई करके देखता हूँ। ये इसको मैंने छुआ, गाइस ये क्या हो गया? बाप रे पूरा का पूरा घर एमरल्ड का हो गया। मैंने बोला था ना। हाँ यार अब तो गाइस मैं वो जाके विलेजर्स को दिखाता हूँ। अब वो सीधा मेरे पैर छुएंगे क्योंकि उनको ये एमरल्ड से बहुत ज्यादा प्यार होता है ना। मुझे बड़ा बटका बटका बोल रहे थे, अब जाके मैं उनको अपनी औकात दिखाता हूँ। मैं तो भागते हैं लेकिन एक सेकंड अब इस गरीब का क्या होगा? ये हमेशा बड़ा ही रहेगा क्या? गांजा गांजा आपका फूफा बड़ा वाला माल और बड़ी वाली बीड़ी। क्या मालूम क्या बीड़ी बीड़ी की बात कर रहा गाइस, अपन तो भागते हैं। अभी देखो पूरा नशे में दिख रहा है, लेकिन चलो जो भी होगा अच्छा हुआ। मैं तो बड़ा होने गया था लेकिन देखो बड़ा आदमी बन गया, अब तो पैसा ही पैसा। ओके तो गाइस मैं वापस से वो वाले गांव में आ चुका हूँ जहाँ की विलेजर्स ने मेरा भयंकर तरीके से मजाक उड़ाया था। अब मैं दिखाता हूँ इनको अपनी ताकत। नहीं मैंने उनको अपना दीवाना बनाया ना, मेरा नाम प्लेट देना, मुझे कैरी से कैरी बटका बुला लेना। ठीक है गाइस यही वो एनविल जिससे मुझे चपटा किया था, इसका मतलब इसी घर में वो विलेजर रहता है जिसने मुझे चपटा किया था। तो जाके उसको मैं अपनी अब ताकत दिखाता हूँ, देखता हूँ क्या बोलता है। ओए विलेजर ये देख। यार बटके एक सेकंड, ये तुझे क्या हो गया यार? तू इतना हैंडसम क्यों दिखने लगा एकदम से? हाय 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 कितना हैंडसम बॉय ये। यार मुझे तो तुझसे प्यार हो चुका है, आ जा तू मेरे घर में, मैं तेरे को जिंदगी भर रख लूंगा। ए भाई थोड़ा दूर है दूर है। यार इसको तो क्या हो गया गाइस? ये देखो गाइस ये तो मेरा पूरा दीवाना बन चुका है, इसके आगे देखो इसी प्यार से भरी हुई। एक सेकंड क्या कर रहा है ये? अबे ओए तू तो चंगा लग रहा है, पूरा 69 एमराल्ड, बिल्कुल 24 कैरेट एमराल्ड। आजा आजा मेरे पास आजा, मुझसे शादी कर ले, आजा प्लीज आजा आजा। अरे 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 गाइस बाप रे क्या हो गया इसको? ये तो कितना ज्यादा मीठा बन गया है, अभी तो मेरे को चिढ़ा रहा था लेकिन देखो अब जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मेरे पीछे पीछे आ रहा है ये तो। आहा गाने बहन आजा आजा साथ में रहेंगे। अरे यार गाइस ये तो मेरे पीछे पड़ गया। अब एक काम करता हूँ इसी चीज का फायदा उठा के ना इसके मजे लेता हूँ। अरे भाई मैं समझ गया तुझे मुझसे प्यार हो गया है, लेकिन तुझे एक छोटा सा नमूना दिखाऊँ, उसके बाद तुम मुझसे और भी ज्यादा प्यार करने लगेगा। दिखाओ दिखाओ नमूना दिखाओ। ये देख ये जो घर है ना, एक पंच मार के इसको पूरा का पूरा मैं एमराल्ड बना दूंगा। प्लीज दिखाओ तो फिर जल्दी दिखाओ। अभी थोड़ा रुक जा मीठे। ये देख 1 2 3 बूम। वाओ क्या बात है यार, इसका मतलब तो अपने बच्चे भी एमरल्ड से होंगे। अबे 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 क्या बोल रहा गाइस ये? एक काम करो ना मेरे घर को भी एमरल्ड बना दो, मेरे घर को भी। हाँ हाँ रुक जा तेरे घर को भी बना देता हूँ एमरल्ड, लेकिन एक काम कर सबसे पहले अपने तो घर के अंदर जाके बैठ जा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तू अपनी आंखों से देखे ये पूरे घर को एमरल्ड बनते हुए। ठीक है अंदर रहना, ठीक है जा रहा हूँ बाहर में। गाइस मुझे मालूम है, आप सोच रहे होंगे इसको मैंने अंदर जाने के लिए क्यों बोला। तो बेसिकली जब इस घर को एमरल्ड बनाऊंगा ना, ये विलेजर भी एमरल्ड का बन जाएगा और फिर जिंदगी भर एमरल्ड के रहेगा और हिल भी नहीं पाएगा। इस विलेजर बच्चों की तो मैं जिंदगी खराब कर दूंगा। तो विलेजर हाँ मैं तैयार हूँ, प्लीज जल्दी से बनाओ एमराल्ड जल्दी से। हाँ दूर दूर है, थोड़ा सा दूर है। तो दिखाता हूँ अपना जादू 1 2 3 बूम। ये देखो गाइस कर दिया मैंने, अब देखते हैं उस विलेजर की क्या हालत हुई होगी। ओए विलेजर आवाज नहीं आ रही, कैसे आएगी क्योंकि एमराल्ड का जो बन चुका है ये देखो गाइस। अब जिंदगी भर यही सड़ते रहे साले, तूने मुझे बहुत परेशान किया था, मुझे भटका बोल के चढ़ा रहे थे ये लोग, अब मैं तुझे स्टेच्यू ऑफ विलेजर बोल के चढ़ाऊंगा। अब सड़ते रहे जिंदगी भर यहाँ पर, ठीक है? नहीं नहीं प्लीज बचाओ प्लीज, मैं नहीं बचाने वाला, जमे रहे यहाँ पर। चलो भाई चलते अपन तो गेट बंद करके इसका।
अब मैं बाकी विलेजर से भी बदला लेता हूँ जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था। ये देखो गाइस, ये तो वही विलेजर है दूसरा वाला जिसने मेरे भटके होने का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था। अब बारी ही इससे बदला लेने की। कौन आ गया सुबह सुबह परेशान करने के लिए? एक सेकेंड, ये कौन है? चॉकलेट बॉय, एमरल्ड बॉय। वाओ कितना हैंडसम लग रहे हो तुम यार। यार तुम तो वही हो ना भटके। सॉरी मैं तुमको भटका बोला, आ जाओ मेरे घर में। तुम भटके नहीं, तुम तो चटके हो। मुझे एमरल्ड चाटने का बहुत ज्यादा मन है, प्लीज प्लीज। अबे गंदे गंदे, दूर है दूर है। प्लीज आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको चाट चाट के अपना बना लूंगा। अबे अबे यार दूर है यार। यार इनको क्या हो जा रहा है विलेजर्स को? मेरे को देख एकदम पागल हो जा रहे, पता नहीं क्या हो जाता है इनको एकदम से। लेकिन चलो इसी चीज का फायदा उठा के ना इसकी भी अपन वाट लगाते हैं। वाओ यार मैं तो तुम्हारे प्यार में डूब चुका हूँ। अच्छा तुम्हारे प्यार में डूब चुका है, तो चल आजा, तेरे को मैं डुबा के मारता हूँ, आजा। ओके तो गाइस ये तो अपने झांसे में आ गया है, कैसे इसके मैं मजे लेता हूँ। अब मेरी बात सुन, एक काम करी पानी के अंदर डुबकी लगा दे। तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। डुपोक डुपोक डुपोक। यार गाइस ये तो कितना ज्यादा मीठा बन गया है। अब मैं काम करता हूँ इसकी पानी के अंदर ही वाट लगा देता हूँ। लेकिन तुमने मुझे पानी के अंदर डुबकी क्यों लगाई, कुछ तो बताओ। ये देख अब इस पानी को पूरा का पूरा एमरल्ड बना देता हूँ। 1 2 3। ये देखा विलेजर, पूरी की पूरी नदी को मैंने एमरल्ड बना दिया। वाओ एमरल्ड के पूल में नहाने में मजा आ रहा है। लेकिन एक सेकंड, अब मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे? वही तो है, अब तू यहाँ से कभी नहीं निकल सकता। तू अब जिंदगी भर के लिए यहाँ पर ट्रैप हो चुका है। तुमने मेरे प्यार का धोखा दिया। नहीं प्लीज मुझे निकालो चॉकलेट बॉय, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। अपन दोनों जिंदगी भर साथ में रहेंगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चल चल जा रही मीठे, मैं तेरा साथ नहीं चाहता। अब सड़ते रहे यहाँ पर जिंदगी भर। मेरा बहुत ज्यादा इसने मजाक उड़ाया था ना गाइस, देखा क्या हालत करी इसकी मैंने। अब सिर्फ एक दो विलेजर्स की और बारी है, उनकी भी चल के अपन वाट लगा देते हैं। ओके तो गाइस वो तीसरे विलेजर को ट्रोल करने के लिए ना मैं खतरनाक वाला ट्रैप बनाने वाला हूँ। उसको मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा क्योंकि उसने मुझे फुटबॉल बना के मारा था। वो बेसिकली गाइस इस घर में रहता है, तो इसलिए उसके घर के बाहर में यहाँ पर ट्रैप बनाऊंगा उसके लिए। ऐसा ट्रैप बनाऊंगा भाई उसकी तो हालत खराब हो जाएगी देखना। तो यहाँ सबसे पहले मुझे गड्ढा खोदना पड़ेगा। ओके तो गाइस देखो मैंने यहाँ पर एक गड्ढा खोल दिया है। अब इसके अंदर मैं भरूंगा ढेर सारा लावा, इसको पूरा मैं लावा से भर दूंगा। मुझे मालूम है आप समझ गए होंगे कि मैं वो विलेजर को लावा के अंदर गिरा के मारना चाहता हूँ। लेकिन यार वो विलेजर इतना बुद्धू थोड़ी ना है कि ऐसे ही लावा के अंदर गिर जाएगा। तो उसके लिए मुझे लगेगा एक गोलम, और उस गोलम को मैं बना दूंगा एमरल्ड गोलम। तो देखो वो दिख गया गोलम। अब फटाफट से इसको एक पंच मार के इसको मैं एमरल्ड गोलम बना देता हूँ। ये ले, ये देखो गाइस बन चुका है एमरल्ड गोलम। बाप रे ये तो मेरा बाप लग रहा है, मैं तो इसका बेटा लग रहा हूँ। देखो गाइस सेम टू सेम। लेकिन अब देखो क्या, अब इसको फटाफट से पकड़ता हूँ और वहाँ लावा के ऊपर ले जाके टांग देता हूँ। ये देखो गाइस इसको मैंने लावा के ऊपर लटका दिया है। अब बस वो विलेजर के आने का वेट है। जैसे ही विलेजर आएगा उसको देखेगा वो सीधा लावा के अंदर डुबकी मार देगा। एक सेकंड, बाहर एमरल्ड गोलम। वाह वाह क्या बात है यार, लगता है बेचारा खतरा है, मैं इसको बचाता हूँ। आजा आजा मेरे हाथ में लग जा, आजा। देखा मजा आया ना? देखो गाइस मर गया वो, कैसा तड़पा तड़पा के मारा उसको मैंने। अभी यार मुझे बाकी की विलेजर्स से भी बदला लेना है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस गांव के सारे विलेजर्स को मैं खत्म कर दूं, क्योंकि सारे के सारे विलेजर्स मेरे को देख के हंस रहे थे। तो मुझे ऐसे तो कोई तगड़ा प्लान बनाना पड़ेगा जिसकी मदद से इस गांव के सारे विलेजर्स एक बार के अंदर ही मर जाए। एक सेकंड, इसको देख के मुझे कुछ आइडिया आ रहा है। कभी ये वेल को मैं एमरल्ड वेल बना दूं और सारे के सारे विलेजर्स को इसके अंदर टपका के मार दूं, मजा ही आ जाएगा। तो ठीक है फटाफट से पहले तो इसको एक पंच मार के एमरल्ड का बना देते हैं। बन जाए एमरल्ड वेल। क्या बात है गाइस, देखो बन गया, कितना मस्त दिख रहा है। अब मैंने इस गांव के सारे विलेजर्स को बुला लेता हूँ। सुनो सुनो गांव वालों सुनो, क्या बात है एमरल्ड बॉय, एमरल्ड बॉय की जय हो। इन्होंने मेरा नाम एमरल्ड बॉय रख दिया, चलो क्या फर्क पड़ता है गाइस, अब तो इनको अपन कुत्ते की मौत मारेंगे। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, क्या तुम मेरा जादू देखना चाहते हो? हाँ, दिखाओ दिखाओ एमरल्ड बॉय अपना जादू दिखाओ। ये देखो ये जो पेड़ है इसको मैं किस तरह एमरल्ड का बना देता हूँ, वो भी एक पंच मार के। ये ले बन जाए एमरल्ड ट्री, देखा बन गया ना। गाँव वालों देखो एमरल्ड ट्री बन गया, एमरल्ड ट्री। ये तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम अनलिमिटेड एमरल्ड चाहते हो ना तो मेरे पीछे आ जाओ, तुम सबको मैं इस माइनक्राफ्ट को सबसे अमीर आदमी बना दूंगा। आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ। आते आते आ जाओ चलो गाइस इसके पीछे चलते हैं। देखो गाइस वो सारे विलेजर्स अपने पास आ रहे हैं। यार इनको बेवकूफ बनाना तो कितना आसान था, एक पेड़ को एमरल्ड बनाकर ये लोग बेवकूफ बन गए। आ जाओ आ जाओ, ये देखो ये है वो एमरल्ड वेल जिसके अंदर जाते से ही तुमको मिलेंगे अनलिमिटेड एमरल्ड्स और तुम्हारी सारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। एमरल्ड वेल मजा आ गया, क्या बात है, चलो चलो चलते हैं चलते हैं। गाइस जैसे ही इसके अंदर ये लोग जाएंगे ना, ये देखो नीचे क्या है, खतरनाक वाले स्पाइक्स, सबकी मौत हो जाएगी। तो एमरल्ड बॉय हम लोग जाए क्या? हाँ रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी अच्छी से जगह बना देता हूँ जाने के लिए। चलो गाइस अब तो ये लोग गए, इनकी तो वाट लगेगी, एकदम सीधा कूद जाना, कहीं भी आसपास में देखना क्योंकि आग बन करके कूदोगे ना तो तुम्हें और ज्यादा एमरल्ड मिलेंगे। ठीक है? हाँ, जैसा तुम बोलो एमरल्ड बॉय वैसे ही करेंगे। बना दे रास्ता, जाओ कूदो। चलो गाँव वालों कूद पड़ते हैं, चलो चलो क्या बात है, जाओ जाओ तुम भी जाओ। तुम क्यों वेट कर रहे हो? हमको तो तुम्हारे साथ रहना है। यार कैसे मीठे लोग यार। चलो गाइस एक दो विलेजर बच भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम विलेजर्स की तो मौत हो चुकी है। देखो कैसे खूनम खून हो चुके हैं, ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे लेकिन सबका मैंने खात्मा कर दिया, क्योंकि कैरी का जो भी मजाक उड़ाएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।